नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का शुक्रवार को यूपी गोंडा में कार्यक्रम है, जहां पर वो सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे और अमर स्मृति कोष के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। बता दें कि कोविड से पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह का निधन हो गया था और इसी को लेकर हमारे संवाददाता राजकुमार सिंह ने जायजा लिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव आज उनका गोंडा, अभी कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर गोंडा में पहुंचेंगे। हालांकि अगर पहले की बात करें तो जो उनको पुलिस लाइन पर हेलीकॉप्टर उनका 11:05 पर लैंड होने वाला था, लेकिन बेहद खराब मौसम के चलते उन्हें लखनऊ से बाइकार आना पड़ रहा है। अब वो अभी वो लखनऊ से निकले हैं। करीब ये जानकारी मिल रही है कि करीब लगभग 1 बजे वो यहाँ पर आएंगे। जो सपा के कद्दावर पूर्व मंत्री स्वर्गीय पंडित सिंह रहे हैं, उनका आज जो यहाँ पर श्रद्धांजलि उनके लिए यहाँ पर जो मूर्ति बनाई गई है उस पर वो आकर माल्यार्पण करेंगे और जिसको लेकर के आपको हम यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो सामने यह मंच बनाया गया है और जो सपा के तमाम ऐसे बड़े नेता इस मंच पर आएंगे। अगर हम बात करें तो देखिए, कहीं ना कहीं जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन यहाँ पर कतई नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो कोरोना गाइडलाइन उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि अब यहाँ से जो जानकारी मिल रही है कि करीब 1 बजे यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री सपा के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं वो यहाँ पर आएंगे। हालांकि जो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये सूरज होटल में यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है, जनसभा कार्यक्रम की गई है और यहीं पर ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो स्वर्गीय पंडित सिंह हैं उनकी यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है और इस पर वो माल्यार्पण करेंगे। कहीं ना कहीं जो माल्यार्पण करेंगे और इसके बाद जो मंत्री के परिजन हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 न्यूज, गोंडा।